जैसी जैसी कोई नहीं। तुम बोलती क्यों नहीं जैसी का बेटी? नंदू के बच्चे जासूसी कब से करनी शुरू कर दी? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ तुम जैसी हो ना, बताओ मुझे। पता तो है तुझे, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मत सता। क्यों नहीं सता? क्योंकि तुम मेरे बचपन की दोस्त जैसी हो, इसीलिए। हाँ नंदू, जैसी हूँ। तुम मेरी जैसी नहीं है। क्या कह रहे? पता तो है तुझे, तू मेरी जैसी नहीं है। जैसी मेरी जैसी होती तो तू मुझसे इतने दिनों तक छुप के नहीं रहती। वो जिस नंदू को मैं जानती हूँ वो भी मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहती। आंटी वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम सबसे दूर रह सकती हूँ क्या बुद्धू? तभी तो ये सारा नाटक करना पड़ा मुझे। I'm sorry. ये बाहर गए हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगे। जाने कहाँ गए? अरे नई घड़ी पहन के गया है ना, सारे शहर को दिखाने में वक्त तो लगेगा ही। Happy birthday to you, happy birthday to you, नंदन वर्मा का happy birthday। ये लोग ऊपर क्या कर रहे हैं इतनी देर तक? क्या बातें कर रहे होंगे? वैसे नंदू जस्सी के अलावा किसी से इतनी बात नहीं करता। मैं जरा देख के आती हूँ। आंटी बंटी पॉपी टंटी टां टू अगली बगली आई गो यू। अरे तुम लोग क्या? आज बहुत दिनों बाद इस घर में हंसी की आवाज सुनाई दी है। तुम लोग को देख के इस घर के पुराने दिन याद आ गए। अरे तुम लोग रुक क्यों गए? आज तो इसका जन्मदिन है। तुम लोग खूब हंसो खेलो और खूब एंजॉय करो। हैप्पी बर्थडे टू मी। कोहिनूर के पैसे वापस आ गए, मतलब वो बात साबित हो गई जो मुझे पहले से ही पता थी कि जैसे भी किशोर जैसी जैसिका भी भरोसा करती है तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन ये बात मलिका को कौन समझे? कैसे समझाऊं मलिका को? कितनी मेहनत करती थी जैसी, कितना ख्याल रखती थी। हम सबसे ज्यादा मेहनत करती थी ताकि गुलमोहर हम सब सबके आगे निकल सके। और मैंने मैंने उसकी कभी भी कदर नहीं की। सिर्फ एक बार वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधार लूँगा, तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा कभी भी। वापस आ जाओ जैसे, अपने गुलमोहर और अपने ऑफिस, अपने अरमान सर के पास, प्लीज जैसे। मुझे एक बात नहीं समझ आई, तू दुनिया से चुप रही है ये बात तो मैं समझ सकता हूँ, पर अपने घर वालों से और मुझसे चुपने की क्या जरूरत थी?
बहुत लंबी कहानी है नाना। जब मैंने प्रेस को मेरे घर वालों को परेशान करते देखा, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मलिका मैम ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मम्मा, बेबे, पापा जी, सबको कितना कुछ सहना पड़ा मेरी वजह से। मैं वापस आई थी, पापा जी का दिल टूट चुका था। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। बस उस दिन जैसी की मौत हो गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस खोखली दुनिया में जस्सी के लिए कोई जगह नहीं रही। अगर जीना है तो उसे जैसिका बनना पड़ेगा। पर तूने मॉडल बनने की कैसे सोची? जब वाहेगुरु जी एक दरवाजा बंद कर देते हैं ना, तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है नंदू। उस रात मैं घर तो नहीं जा पाई, लेकिन पूरी रात गुरुद्वारे में ही बिताई। फिर मैं जैसिका बेदी बन गई, और आगे का तो तुझे पता ही है। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी इस सुंदर से चेहरे के पीछे कहीं खो गई। चुप बुद्धू, मैं अभी भी वही जैसी हूँ, वही पुरानी वाली जैसी। मुझे अभी भी वही सब कुछ पसंद है नंदू। मेरा घर, मेरा कमरा, बेबे के हाथ का खाना, और तो जैसे बुद्धू के साथ बैठ के ढेर सारी बातें करना। तो जैसी ऐसा कब तक चलेगा? तब तक शायद जब तक मलिका मैम का असली चेहरा मैं दुनिया के सामने नहीं ले आती। नंदू, तूने अभी तक अपना गिफ्ट नहीं खोला? ओ, मैं तो भूल ही गया। देखू तो सही, इंडिया की टॉप मॉडल मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आई है। जो खोल खोल। हाँ। नया फोन जैसे तो बोल मांगा। अब हुई ना कोहिनूर के एक्स जनरल मैनेजर वाली बात, अब तो मैं भी ना इसे बड़े लोगों की तरह कान पे चिपका के घूमता रहूंगा। चुप, तू इतने लोगों को जानता है का जिनको फोन करेगा? तू है ना। अब तू देखना, मैं तेरे को दिन रात फोन करके परेशान करूंगा। जितने फोन्स करने कर, इतनी सारी बातें जो तुझे बतानी है नंदू। मैंने अपना नंबर इसके अंदर स्टोर कर दिया। ये तो जैसिका बेदी के नाम का। मैं तो जस्सी रखूंगा। नहीं पागल, अगर किसी ने देख लिया तो? कहीं नहीं जाने दूंगा इसको। एक मिनट रुक। हेलो जैसिका, जरा जस्सी से बात कराना मेरी। हाँ। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुमको? हेलो, कौन? मैं नंदन वर्मा बोल रहा हूँ। नंदन वर्मा कौन? अरे ओ, यू मीन गुलमोहर का नया CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? क्या मेरे ही ऑफिस से मुझे बाहर फेंकवा कर मेरी ऑफिस तुमने उस गवार नंदू को दे दी? जैसिका बेदी, तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, बहुत ही अच्छा था तुम्हारा प्लान। पहले गुलमोहर में एक सुपर मॉडल बन के आना, उसके बाद धीरे धीरे हम सबका विश्वास जीतना। अरमान, राज, आर्यन, यहां तक कि मेरा भी, और फिर पूरा का पूरा गुलमोहर अपने हाथ में ले लेना। Fantastic plan, Jessica. लेकिन तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। तुमने मलिका सेठ को पहचानने में भूल कर दी। तुम जानती नहीं मलिका क्या कर सकती। इतनी जल्दी भूल गई तुम कि मैंने तुम्हारी दोस्त जस्सी के साथ क्या किया था। वैसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी होने वाला है, वैसा ही या शायद उससे भी बुरा। बस देखते जाओ। मलिका की असलियत तू दुनिया के सामने लाना चाहती है, ये बात तो समझ में आती है, पर इसमें तेरे घर वालों का क्या दोष है? वो कब तक इस दुख को सहते रहेंगे कि उनकी जस्सी उनसे दूर है?
कैसी मैंने देखी है बेबी की सुनी आंखें। आंटी जी भी घंटों प्रार्थना करती रहती हैं बाबा जी के आगे कि उनकी जैसी लौट है। अंकल जी वो दिखाते नहीं है पर वो भी चाहते हैं कि उनकी क्वीन विक्टोरिया वापस आ जाए, उनके घर की सारी खुशियां लौट आए। तेरा मन नहीं करता उनसे मिलने का? एक अजनबी बनकर नहीं उनकी बेटी जैसी बनकर। मन करता है मेरा नंदू, तुझे क्या लगता है मेरा मन नहीं करता? इतनी बार मैंने कई बार उनको फोन किए लेकिन जैसी उनकी आवाज सुनाई देती मैं फोन बंद कर देती। कई बार मेरा मन किया कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं ही जस्सी हूं लेकिन दरवाजे तक आकर मैं लौट जाती थी नंदू। मुझे उनकी इतनी याद आती थी नंदू, मैंने चिट्ठी भी लिखी थी उनके लिए लेकिन आज तक पोस्ट नहीं की, हमेशा मेरे पर्स में ही रहती है। ये देख, वो चिट्ठी कहाँ गई? तू कहीं अंदर तो नहीं भूला है? नहीं नहीं अंदर नहीं होनी चाहिए, वो चिट्ठी अभी घर वालों के हाथ नहीं लगनी चाहिए नंदू। मैं चाहती हूँ कि एक बार अपने आप को निर्दोष साबित कर दूँ फिर अपना मैं शान से सर उठा के घर के अंदर जाऊँगी और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं मल्लिका मैम के लगाए दोष को झूठा ना साबित कर दूँ। वो चिट्ठी कहीं ऑफिस में तो नहीं रहेगी? हाँ मैंने अपने पर्स में से कुछ चीज़ें निकाली थी और अगर वहीं गिर गई तो हे भगवान, अगर वो चिट्ठी ऑफिस में है तो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए और अगर मल्लिका मैम के हाथ लगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे इस लेटर पे पता भी लिखा है, सील भी लगी हुई है, स्टैम्प भी चिपका हुआ है, पोस्ट में डालने के लिए तैयार पड़ा है, फिर मैडम ने डाला क्यों नहीं? लगता है भूल गई। कोई बात नहीं मैं ही डाल देता हूं। मल्लिका इतना सच ठच के कहां जा रही हो? अपने ऑफिस? भूल गई क्या? अब तो गुलमोहर में तुम्हारा कोई ऑफिस है ही नहीं। जानती हूं और ये सब कुछ उस जेसिका की वजह से है लेकिन मैं गुलमोहर जाऊंगी और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी उस जेसिका से अपना बदला लेने का। कोई तो कमजोरी होगी तुम्हारी जेसिका, हर किसी की होती है, उस जस्सी की भी थी और जिस दिन तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ लग गई जेसिका उस दिन मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। जिस तरह मैंने जस्सी के सारे सहारे छीन लिए थे मैं जेसिका के साथ भी वैसा ही कर सकती हूँ। एक खत लिखकर, सुना है कि इस शहर में वो जस्सी के परिवार को ही अपना परिवार मानती है ना, और वो नंदू वही तो उसका सारा काम संभालता है। तो अगर मैं खत लिखकर जस्सी के घर वालों को ये बता दूं कि जेसिका ने उनकी प्यारी बेटी जस्सी को धोखा देकर कोहिनूर और गुलमोहर हत्याने की कोशिश की है तो वो लोग तो जेसिका से बहुत नफरत करने लगेंगे और फिर जेसिका अकेली पड़ जाएगी। तब जाके देखते हैं कब तक लड़ पाती है जेसिका बेदी अकेली मल्लिका से। गुड आइडिया मल्लिका, वेरी गुड आइडिया। अरे भाई श्याम सिंह, हाँ कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बैंक जा रहे हैं काम से यार। अब बाहर जा ही रहे हो तो ये लेटर भी पोस्ट कर देना। हाँ ठीक है। लेटर तो लिख लिया लेकिन अब स्टैम्प, वो भी गुलमोहर जाकर ही लगवा लूंगी। मुझे अब एक मिनट भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ये खत जल्द से जल्द अपनी सही जगह पर पहुंच जाए। बस जल्दी से ऑफिस जाकर वो लेटर छुपा लेती हूँ।
किसी को मिल गया तो मुसीबत हो जाएगी। ये खत जस्सी के घर वालों तक पहुंचा नहीं कि मेरे प्लान की पहली चाल कामयाब हो जाएगी, और फिर उसके बाद। श्याम सिंह जी मैम, स्टैंप है तुम्हारे पास? हाँ मैम। तो इस पर स्टैंप्स लगाओ और फौरन इसे जाके पोस्ट ऑफिस में डाल दो। जी मैम। क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ ना। लगा रहे हैं मैम। हाँ जा रहे हैं मैम, बैंक भी जाना है और ये जेसिका मैडम का लेटर भी डालना है डाक में, साथ के साथ आपका भी डाल देंगे। ठीक है, लेकिन पहले मेरा काम करना। जी मैम। आपका लेटर भी उसी पते पर जा रहा है, कमाल है। आपका लेटर भी उसी पते पर जा रहा है, कमाल है। श्याम सिंह जी, मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे ऑफिस के काम से फिर से बाहर जाना पड़ेगा, तो वो लेटर मुझे दे दो, मैं खुद ही पोस्ट कर देती हूँ। हाँ ठीक है मैम, ये लीजिए। और ये वाला, ये जेसिका मैम का है? हाँ मैम। मैं बाहर जा ही रही हूँ तो लाओ ये भी, मैं डाक में डाल देती हूँ। लाओ दे दो। हाँ ठीक है, ये लीजिए मैम। जाओ तुम जाओ। जाए बलवंत वालिया। जेसिका जस्सी के घर वालों को खत क्यों लिख रही है? अरमान तो कह रहा था वो हर रोज वहां जाती है। बेबे पापा जी माँ बेरी पोना, आपकी बेटी जस्सी, खत जस्सी ने लिखा है। बेबे पापा जी माँ बेरी पोना, मैं आप सब लोगों से बहुत दूर आ चुकी हूँ और अब तो और भी दूर जा रही हूँ। अगर वापस ना आ सकी तो बस आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और आप लोगों की मुझे बहुत याद आती है। आप लोग मुझे न भूल जाइएगा। वाहे गुरु मुझ पर यही कृपा करें। आपकी बेटी जस्सी बहुत दूर जा रही है, शायद वापस ना आ सके। कुछ समझ नहीं आया, ये जस्सी वाकई कहीं दूर चली गई है या फिर बात कुछ और है? और ये खत जेसिका जस्सी के घर वालों तक क्यों पहुंचा रही है? मैडम क्या हुआ? मैडम राम सिंह, यहाँ टेबल पर एक लेटर पड़ी थी। कहाँ है? लेटर? कैसा लेटर? उस पे स्टैंप लगा हुआ था, एड्रेस लिखा था और सील भी की हुई थी। कहाँ है वो लेटर? अच्छा वो लेटर? हाँ वो तो हमने पोस्ट कर दिया। क्या? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।